वैसे तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में मशहूर है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी खूब फेमस हो रहा है और धड़ाधड़ बुलडोजर से काम लिया जा रहा है, जिससे कब्जा करने वाले लोगों के बीच में एक अजीब दहशत भी फैल गई है। अब असम के नगांव जिले में स्थानीय प्रशासन ने करीब 980 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करा ली है। इस जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था, आज सुबह प्रशासन ने इसे कब्जा मुक्त कराया। देखिए वीडियो। बताया जा रहा है कि असम के नगांव जिले में करीब 980 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इस जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से काफी समय से यहीं डेरा जमाया हुआ था, जिसके बाद सोमवार सुबह प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस जमीन पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और इसको खाली करवा लिया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि भुमुरगुरी ग्रासिंग रिजर्व, जमाई बस्ती, रामपुर, कदमोनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया गया। यहां अतिक्रमणकारियों ने 980 बीघा से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर लिया था। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए बतादराबा में 800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, क्योंकि इस कार्रवाई से लोग विरोध पर भी उतर आए थे। इस मामले में नगांव जिले के पुलिस अधीक्षक लीना डोले के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। 13 दिसंबर से यहां सुरक्षा कर्मियां डेरा डाले हुए थे और फ्लैग मार्च कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद कई अतिक्रमणकारी पहले ही क्षेत्र छोड़ चुके हैं, तो वहीं सरकारी जमीन पर 302 अवैध मकान थे, जिसमें से 72 अब ढांचे बचे हैं। हमें स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग मिला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।